हरियाणा के सोनीपत में एक घर में हुआ धमाका, चारों तरफ मची अफरा तफरी। हरियाणा के सोनीपत के शांतिनगर इलाके में एक घर में हुए विस्फोट के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि इरफान नाम के शख्स के घर पर कुछ विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी, जिसके बाद उसके कमरे का शटर टूट गया और टेबल प्लास्टिक की कुर्सियां जली हुई थी। उसे पोटाश के साथ सल्फर मिलाकर रखा था। शॉर्ट सर्किट के कारण उसमें आग लग गई और विस्फोट हो गया। उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे पास कंट्रोल से इतना आई थी, तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां जाकर देखा तो इरफान नाम का लड़का है, जिसके घर पे कुछ विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ था, जिससे उसका एक कमरे का शटर फटके और साइड में गिरा हुआ था और टेबल प्लास्टिक की चेयर वगैरह जली हुई पड़ी हुई थी। प्राथमिक जांच में क्या सामने आया? प्राथमिक जांच में यह सामने आया कि उसने गंधक यानी सल्फर और पोटास रखा हुआ था, उसके पास दोनों को मिक्स करके रखा हुआ था और जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वो चिंगारी पकड़ के और उसमें विस्फोट हुआ है। सर, किन किन धाराओं के तहत मुकदमा है वो दर्ज किया गया है इरफान के खिलाफ? क्या इरफान की गिरफ्तारी है वो हो चुकी है? इरफान के खिलाफ आईपीसी 285 आईपीसी व इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 सेक्शन 9B एंड सेक्शन 5 ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 के तहत दर्ज किया गया। गिरफ्तार कर लिया सर इरफान को? गिरफ्तारी कर ली जाएगी जल्दी। सर, बम स्क्वाड में अफसल को मौके पर बुलाया गया था? हाँ, अफसल टीम भी मौके पर आ चुकी है और बम डिस्पोजल टीम भी मौके का मुआयना कर चुकी है।